सर्दी का मौसम आते ही मां नर्मदा तट ग्वारीघाट में प्रवासी पक्षी एक बार फिर लौट आए हैं। नर्मदा की लहरों पर अटखेलियां करते हैं प्रवासी पक्षी दर्शनार्थियों का मन मोह रहे हैं। लोगों की आस्था का केंद्र मां नर्मदा तट ग्वारीघाट में प्रवासी पक्षियों ने डेरा जमाना शुरू कर दिया है। सर्दी का मौसम आते ही हजारों की संख्या में प्रवासी पक्षी नर्मदा के तटों पर वापस लौट आए हैं। प्रवासी पक्षियों का झुंड मां नर्मदा की लहरों पर अटखेलियां कर दर्शनार्थियों का मन मोह रहा है। नर्मदा तट पहुँचने वाले श्रद्धालुओं और सैलानियों के लिए प्रवासी पक्षी आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर दृश्य दिखता है पूरे नर्मदा जी में, जब प्रवासी पक्षी आते हैं, उड़ते हैं, अपन उनको सेव खिलाते हैं, बहुत ही अच्छा सुंदर, बहुत अच्छा महसूस होता है। पिछले करीब 10-12 सालों से नर्मदा जी में गौरीघाट पर भी ये प्रवासी पक्षी हैं, ये बहुत अधिक मात्रा में, जैसे ही ठंड शुरू होती है वैसे ही नर्मदा तटों पर आ जाते हैं, और जब तक ठंड पड़ती है तब तक ये यहीं पर रहते हैं, और ये विशेष तौर पर जो नमकीन सेव वाला रहता है वो उसका सेवन करते हैं, और रात्रि में कहीं मतलब किनारे विश्राम करते हुए सुबह भोर में पुनः वापस आके पूरे घाटों पर घूमते रहते हैं, और इससे बहुत अच्छा वातावरण लगता है मां नर्मदा के तटों पर। इनको देखने के लिए भी काफ़ी श्रद्धालु आते हैं। वन्य प्राणी विशेषज्ञों का कहना है कि साइबेरियन प्रजाति के यह पक्षी सर्दी के 4 माह तक नर्मदा तट पर डेरा जमाए रहेंगे। गर्मी का मौसम आते ही इनकी वापसी का क्रम शुरू हो जाएगा।